For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. Mera naam Dr. Nematullah hai. Main urologist hoon. Jisko Mahir Amraz Gurda Masana kehte hain. Maine graduation Boran Medical College se ki, fir uske baad post graduation general surgery mein Boran Medical Complex Hospital se ki, fir uske baad Gurda Masana urology mein training ke liye main Khan Hospital Karachi gaya, fir uske baad SIOT ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए गया। उसके बाद हमने FCPS कॉलेज फिजिशियन सर्जन से क्लियर किया और इसके बाद हम बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रो यूरोलॉजी जो किडनी सेंटर था उस नाम से पहले मशहूर था उसमें एज ए असिस्टेंट यूरोलॉजिस्ट और बोलान मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी। हमारे शोबे में जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर जो आम खास जो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं जो हम डील करते हैं वो पथरी की बीमारी, गुर्दे में पथरी होती है, मसाले में पथरी होती है, गुर्दे की नाली में पथरी होती है, या कुछ जो कॉमन जो आम खास पाई जाने वाली बीमारियाँ हैं जैसे गुर्दे की इन्फेक्शन हो गया, मसाले की इन्फेक्शन हो गया, और कुछ कैंसर है जैसे मसाले के कैंसर है और गुर्दे के कैंसर है। ये हमारी आम बीमारियाँ हैं गुर्दे और मसाले की। और जैसे खवातीन में मसाले की बीमारियाँ होती हैं आम खास वो हमारे पास आते हैं, और कुछ जो ऐसे मर्द हजरात जिनमें बच्चों की मस्ता होता है जिनमें बच्चे नहीं होते इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं वो हम डील करते हैं। बिल्कुल किडनी स्टोन की सर्जरियाँ पहले ओपन सर्जरियाँ होती थी, उसके बाद अब एंडोस्कोपिक आ गई है, उसमें छोटे छोटे से पत्थर के लिए भी पहले ऑपरेशन करना पड़ता था, मरीज़ को टांके लगते थे, अब वो ऑपरेशन एंडोस्कोपी में कन्वर्ट हो गया है और मरीज़ छोटे पत्थर के लिए हमें मरीज़ को खोलना नहीं पड़ता, बहुत कम अगर होता है तो बड़े पत्थर अगर होते हैं गुर्दे में उसके लिए हम खुला ऑपरेशन करते हैं ओपन ऑपरेशन से, बाकी सारे ऑपरेशन तकरीबन 80% जो है वो एंडोस्कोपिक हो गए हैं। इसी तरह जो बाकी सर्जरियाँ एंडोस्कोपी यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो गई पहले से, और इसके साथ साथ लेज़र की जो ट्रीटमेंट आ गई, लेज़र आ गया, लेज़र को हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो बहुत ही जिद्दत आ गई इसमें। किडनी स्टोन्स हमारे पास जब कॉमन आते हैं लोग इन्फेक्शन के साथ आते हैं, उन्हें पेशाब का बार बार आना, पेशाब में जलन का होना, पेशाब में खून का आना और साइडों में गुर्दों के मकाम पे दर्द होना, ये आम खास पर आता है, और कुछ कुछ लोगों में पेशाब की बंदिश की वजह से भी के साथ भी आते हैं मरीज। कॉमन जो डिसऑर्डर हमारे सेटअप में पाया जाता है वो पथरी की बीमारियाँ पाई जाती हैं, और जो बड़ी उम्र के अफराद उनमें प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा होती है, और ख्वातीन में इन्फेक्शन की बीमारी मसाने की जो इन्फेक्शन होता है वो होता है, और बच्चों में कुछ पैदाइशी बीमारियाँ हैं और पत्थर भी बच्चों में ज़्यादा ही पाया जाता है, यंग एज जो पेशेंट होते हैं हमारे पथरी की बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। आजकल तो हर चीज़ आपको नेट पर अवेलेबल मिल जाती है, और एक तो प्रॉपर एक वेबसाइट है तो उस पर मेरी जो डिटेल्स है और अपॉइंटमेंट है आपको मिल जाएगी, उसमें नंबर लिखी भी है।